सभी सम्मानित साधकों, क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, इस वीडियो को देखे पहले आपसे भी निकल जा तेरी माँ चोद बाहर बहन करे बोला तेरी माँ की छूट मारू मुल्ला भाग जा गड़े खड़ो। जय भीम। सम्मानित साथियों, यह व्यक्ति हिंदू रक्षा दल का प्रमुख है। मेरे समाज के लोगों, जिस संगठन के व्यक्ति की इतनी गंदी मानसिकता है, उसके कार्यकर्ताओं की मानसिकता कैसी होगी, आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं। सम्मानित साथियों, हमारे नेता, हमारे रहबर, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ये जातिवाद को बढ़ावा दे रहे। सम्मानित साथियों, हमारा भाई सर्व समाज के साथ खड़ा, जिसके भी साथ गलत होगा वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के अगर दरबार में चला गया तो उसको इंसाफ मिलेगा मेरे समाज के लोगों जरूर। सम्मानित साथियों, मैं आपसे भी साथियों को बताना चाहता हूँ, इस व्यक्ति का कसूर सिर्फ इतना था मेरे समाज के लोगों, ये झुग्गी डालकर अपना रोजगार जो भी करता होगा, बेचारा रह रहा था वहाँ पर 8-9 दिन के लिए रुका था ये वहाँ पर। पर सम्मानित साथियों, आपसे भी देख सकते हैं, यह है हिंदू रक्षा दल का प्रमुख, इस व्यक्ति की पिटाई कितनी बेरहमी के साथ कर रहा है मेरे समाज के लोगों। आप सभी देख सकते हैं कि मुसलमानों के प्रति कितना जहर भरा हुआ है इन लोगों के दिल में। तो मेरे समाज के लोगों और अपने मुस्लिम समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ, आपको जागरूक होने की आवश्यकता है और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो। इस तरह की घटना करने वाला अपराधी कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी जरूरी है मेरे समाज के लोगों। और सरकार चाहे किसी की भी हो, पर सबसे ऊपर संविधान रहेगा। संविधान की बदौलत ये प्रमुख आज जेल में है मेरे समाज के लोगों। तो आप लोगों को भी आवाज उठाने की जरूरत है मेरे समाज के लोगों। इस तरह की घटनाओं पर आंखें बंद करने का टाइम नहीं है मेरे समाज के लोगों। ये आपको किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। गलत का विरोध खुल के करो और मुस्लिम समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्मी का समस्त कार्यकर्ता खड़ा है। तो आपको किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस अपराधी को तो जेल पहुंचा दिया, जो उसके चेल्ले चपाटे में भी जेल जाएंगे। क्योंकि मुस्लिम समाज हो या कोई भी समाज हो, अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर टिप्पणी करेगा तो हम उसका पीछा नहीं छोड़ने के अपनी आखिरी सांस तक। भारतीय संविधान के खिलाफ जो कोई भी जाएगा उसका विरोध होगा, उसे सजा भी मिलेगी। जय भीम।